दोस्तों, मैं सूरज आपका अपना YouTube चैनल प्रीवियस एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहां पे मैथ का सुपर ट्रिक्स का सीरीज चल रहा है, तो आज भी मैं आपके लिए मैथ का कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं। तो आज का आपके पास टॉपिक रहेगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बड़ा और छोटा भिन्न। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यहां से सवाल हमेशा एक ना एक सवाल, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, आरआरसी हो, ये सब में एक सवाल पूछा जाएगा। एलआईसी का पेपर में भी पूछा जाता है, बैंकिंग के पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम दो तीन बातों को पहले ध्यान रखेंगे, फिर हम देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए तो आप कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन बसरते वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो पहले यहां पे देखिए कि क्या है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो कैसे जानते हैं कि बड़ा भिन्न क्या है, छोटा भिन्न क्या है? तो यहां पे हम कुछ बातें बताएंगे आपको। जैसे यहां पे एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ कि 3/7, ठीक है, 5/7, 4/7, 9/7 और 6/7। जब इस तरह से दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। आप यहां पे देखिए देखिए कि अंश हर सबका क्या है, बराबर है। हर सबका क्या है, बराबर है। तो जब हर सबका बराबर है, मतलब डिनोमिनेटर सबका बराबर है, तो इसमें बड़ा और छोटा निकालने के लिए बोले तो इसमें बहुत बड़ा रूल नहीं है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा है वो छोटी संख्या होगी। मतलब जिसका अंश बड़ा है, जब आपका हर, मैं लिख रहा हूं, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो अंश बड़ा तो संख्या बड़ा, संख्या बड़ा, समझ रहे हैं? अंश छोटा तो संख्या छोटा, भिन्न छोटा, ठीक है, संख्या छोटा मतलब भिन्न छोटा, और भिन्न, समझ में आया? तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना कि हर क्या है आपका, समान है। तो यहां पे देखिए, नौ बड़ा पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा, तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, 9/7। जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा आपका, 3/7, क्या आ जाएगा, 9/7, सबसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न क्या आएगा, 3/7। इतना बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा, कि भाई जब हर समान हो तो एक कंडीशन होता है, तो जब अंश समान हो, न्यूमरेटर बराबर हो तो क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। दूसरा आपका कंडीशन यहां पे होगा, जैसे 5/2, ठीक है, 5/3, 5/7, 5/9 और 5/11, ठीक है। अब इस केस में क्या है, अंश मतलब बोले तो न्यूमरेटर, ये क्या है, समान है, सबका एक जैसा है, एक जैसा है। अब यहां पे क्या है, जब अंश सबका एक जैसा है तो जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, वो भिन्न कैसा होगा, छोटा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब भिन्न छोटा, ठीक है, लार्ज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हर बड़ा क्या है, 11 है, तो यहां पे आपको स्मॉलेस्ट भिन्न पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, 5/11। जिसका हर छोटा, ठीक है, हर छोटा तो भिन्न बड़ा, भिन्न बड़ा तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका,
5/2 समझ में आया। मैंने बोला कि अंश समान, दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। क्या हमने देखा था एक बार, हर क्या था, समान, हर समान था तो जिसका अंश बड़ा था वो फ्रैक्शन बड़ा था, जिसका अंश छोटा था वो फ्रैक्शन छोटा था, भिन्न छोटा था। अब अंश हमारे पास एक जैसा है तो अंश एक जैसा है, न्यूमिनेटर एक जैसा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो भिन्न छोटा रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा, तो स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो 5/11 हो जाएगा। जिसका हर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और लार्जेस्ट की बात करेगा तो 5/2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब ये तो हमारे पास क्या है, हर और अंश समान होने पे ये कहानी है। अब ये अंश और हर समान ना रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं बताऊं, ये 4/5 है और 6/7 है, इसमें बड़ा और छोटा पूछेगा तो इसके लिए तीन मेथड है। कितने मेथड है, तीन मेथड। आप तीनों मेथड पढ़ के जाए और एग्जाम में हर सवाल का जवाब दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वन बाय वन देखेंगे। पहला मेथड क्या है, इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट मेथड। दूसरा आपके पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड, मल्टीप्लाइंग मेथड। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां सवाल सबसे ज्यादा पूछता है, वो डायरेक्ट मेथड, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड मेथड है। समझ में आया। तो हम तीनों मेथड का देखेंगे और तीनों मेथड अलग अलग जगह लेगा। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में इक्विवेलेंट मेथड लग जाए और सवाल करके आ जाए, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड करेंगे और समय के अनुसार आप कर लेंगे सवाल, ऐसा नहीं है। और डायरेक्ट मेथड भी हर मेथड में नहीं लगेगा, ये तीनों मेथड पढ़ेंगे तब जाके आपका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट मेथड में, यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट मेथड, 4/5 और 6/7। पहले छोटे छोटे समझते हैं। इसमें इक्विवेलेंट मेथड में क्या है कि आप या तो हर को इक्वल कर लो या तो अंश का इक्वल कर लो। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35। तो हम इसको 35 बनाएंगे, इक्विवेलेंट मेथड में क्या बनाएंगे, इसको 35 बनाने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करें। यहां भी 35 बनाने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करें। अब क्या हो गया, 7 × 28 बटे में 35 और ये क्या 30 बटे में आपका कितना आ गया 35। आप देख लीजिए कि हर आपका बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा। कहने के मतलब लार्जेस्ट जब आपको पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6/7, कितना हो जाएगा 6/7, क्यों, ये 30 बड़ा है, दोनों का 35 समान है, ये 30 बड़ा है। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपका ये 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5। ये तो हुआ आपका इक्विवेलेंट मेथड। अब इसी में हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे हम, क्रॉस, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, तिरछा गुना, क्या बोलेंगे तिरछा गुना। तिरछा गुना में आप ऐसे गुना कर लें, कैसे गुना कर लें, आप ऐसे गुना कर लें, ठीक है। अब तिरछा 7 × 4 कितना 28, 6/5 कितना 30, बड़ा क्या है 30, तो बड़ा मतलब क्या हो जाएगा 6/7, छोटा क्या है 28, तो छोटा क्या हो जाएगा 4/5। समझ में आया, समझ में आया तो बीच बीच में लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। अभी मैंने सिर्फ टेलर दिखाया है, अभी क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया है, सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक तैयार कर रहा हूं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं आपका इसी में आपको डायरेक्ट मेथड, क्या देखें, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है दोस्त, देखो डायरेक्ट मेथड में देखिए, ये 4/5, 6/7, यहां पे देखिए अंतर कितना 1,
यहां पे देखिए अंतर कितना एक। जब अंतर बराबर हो तो डायरेक्ट मेथड लगाइए, और डायरेक्ट मेथड में जब अंतर एक हो, जब अंतर एक जैसा समान हो, बराबर हो, दो हो यहां भी, दो हो, तीन हो, तीन हो, एक हो, एक हो, तो जिसका अंश बड़ा वो हो जाएगा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट फ्रैक्शन बोले तो किसका छह, स्मॉलेस्ट बोले तो चार बटा पांच, ये छह बटा सात और ये चार बटा। समझ में आया अंतर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आज के बाद देखिए डायरेक्ट मेथड का क्या यूज है, कहां यूज करेगा, कहां आपको डराएगा क्वेश्चन। जैसे कभी भी आपको यहां पूछ दे कि 305 बटे 303, यहां पे पूछ दे आपका 307 बटे 305, समझ में आया। यहां को बोलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, उतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, उतना समय नहीं है कि यहां पे आप इसको क्या करें, दोनों को बराबर करें, कर सकते हो 303 305 कैसे करोगे एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या है मल्टीप्लाई करके उतना बड़ा संख्या आ जाएगा आपको। अब क्या करोगे, यहां पे चेक करोगे अंतर, अंतर कितना है भाई मेरे दो, यहां भी अंतर कितना है आपका दो, अंतर दो है तो आप देख लीजिए जो भिन्न बड़ा है, जो जो अंश बड़ा है वो भिन्न भी बड़ा होगा, भिन्न बड़ा भिन्न पूछेगा, अब बता देना 307 बटे 305, और ये क्या है 305 300 छोटा है, ठीक है, तो ये छोटा पूछेगा तो आप बता देंगे यहां पे 305 बटे 303। समझ में आया, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी देखते हैं अब सवाल। सवाल पहला सवाल आपका रहेगा टाइप वन का, सवाल रहेगा टाइप वन का। आपने तीनों मेथड देखा, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक रोक के देखें, आराम से देखें, लेकिन आज के बाद आपके पास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मेरा गारंटी है। पहला सवाल आपके सामने सीजीएल का आया हुआ सवाल, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न पूछा है भाई, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब देख लीजिए यहां पे अंतर कितना एक, अंतर यहां पे कितना एक, यहां पे अंतर कितना एक, यहां पे अंतर कितना एक, यहां भी अंतर कितना एक। जब लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट इसमें क्या है 6, 5, 7, 4 में बड़ा क्या है 7, 7/8 ये बड़ा हो जाएगा, आप मोबाइल से चेक कर ले। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 4/5, समझ में आया। इसी में आपको पूछ लेगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, ठीक है, और क्या पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम। आपको पता चल गया है कि यहां सबका अंतर कितना है एक एक है, अंतर जब बराबर तो जिसका मान अंश का मान बड़ा वो संख्या बड़ा 7/8, ये बड़ा है किससे 6/7 से, ये बड़ा है किससे 5/6 से, ये बड़ा है किससे, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब ये अवरोही हो गया है, कोई बात नहीं, यहां पे ये अवरोही मतलब घटते हुए, समझ में आया, मतलब डिसेंडिंग। यहां पूछेगा आपका एसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग यारोही। यहां पे बढ़ते हुए पूछा तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर इससे बड़ा है 5/6, इससे बड़ा है 6/7, इससे बड़ा है 7/8, ये हो गया आपका बढ़ते हुए और ये हो गया आपका घटते हुए, और आपको पता है ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, इससे बड़ा बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं एक और सवाल इसके आगे, सीजीएल 2016 का सवाल,
फिर देखेंगे रेलवे का सवाल, फिर देखेंगे आपका LIC का सवाल। तो पहले यहां पे देखिए टैप हमें देख रहे हैं क्या, सिर्फ टैप हमारा वन चल रहा है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 पूछा है लार्जेस्ट और पूछा है स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये पूछा है आपका SSC 2016 में। सोचिए क्या मैंने बोला अंतर कितना है, एक अंतर कितना है, एक अंतर कितना है, एक अंतर कितना है, एक, समझ में आया। अब अंतर एक एक है, लार्जेस्ट पूछेगा तो सबसे लार्जेस्ट क्या है 5/6, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो स्मॉलेस्ट क्या है 2/3। और बताइए समझ में आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हमने तो अच्छा सवाल लिया ही नहीं जो आपके मन में चल रहा है कि सर अंतर बराबर ना हो तो अभी आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अभी सवाल देखते जाइए, सवाल देखते जाइए, एक और सवाल करवा रहा हूं, 3/7, 11/15, 19/23 और 35/39। इस ये भी सवाल आपके पास आया था NTPC 2015 में, जो पेपर हुआ था NTPC 2015 उसमें। यहां भी क्या पूछा है लार्जेस्ट और क्या पूछा है स्मॉलेस्ट, या दोनों में एक ही भी पूछेगा। आप देखिए यहां पे अंतर कितना है, आप अंतर देखिए यहां पे कितना है 4 का, यहां पे अंतर कितना है 4 का, यहां भी अंतर कितना है 4 का, यहां भी अंतर कितना है 4 का, है 4-4 का अंतर। अब 4-4 का अंतर है, मैंने बोला लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट मतलब क्या होगा जो सबसे बड़ा है 35/39। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे 3/7, ये सही जवाब है आपका, ये क्या है राइट आंसर है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। अब बच्चों के मन में रहता है कि सर हमेशा आप ऊपर जो अंश है वो छोटा रख रहे हैं और नीचे वाला अंश जो है आप बड़ा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब लीजिए इसी सवाल को मैं कर देता हूं फिर से, अब समझ पाएंगे तो देखिए मैं पलट दे रहा हूं, 7/3, 15/11, 23/19 और बोलो 39/33। अब इसमें पूछा है लार्जेस्ट लीजिए और इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट, ठीक। खुश हो गए कि सर ऊपर वाला सब क्या था छोटा था, नीचे वाला सब क्या है बड़ा है, ऊपर वाला क्या हो गया बड़ा और नीचे वाला क्या हो गया छोटा। पलट दिए इसी सवाल को, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी अंतर हमारे पास कितना है 4 का, 4 का, 4 का और 4, समझ में आया। अभी भी आपको लार्जेस्ट पूछेगा तो वही लार्जेस्ट संख्या, जब अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। लीजिए कहां पे दिक्कत है बताइए, एक कौन सा मेथड है डायरेक्ट मेथड, समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। आगे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ये डायरेक्ट मेथड पूरे अच्छे से समझिए, डायरेक्ट मेथड में क्या है कहां लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, समझ गए होंगे, जहां अंतर बराबर हो वहां हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, ये कंफर्म हो गया। आइए देखते हैं कुछ अलग सवाल, अभी देखते हैं हम टाइप टू, ठीक है, क्या देख रहे हैं टाइप टू, जहां पे हम लगाएंगे इक्विवेलेंट मेथड, क्या लगाएंगे इक्विवेलेंट मेथड। समझिएगा थोड़ा सा, 3/4, 2/5 और 7/10। आप कहेंगे कि सर यहां तो अंतर एक है, यहां पे अंतर 3 है और यहां भी अंतर 3 है, यहां तो अंतर एक हो गया, तो कुछ मत कीजिए, आप इस सवाल को किससे करेंगे इक्विवेलेंट से कीजिए। कैसे करेंगे, ये सबका 4 और आपका 5 और 10 सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम किसका लेंगे 4 का, 5 का और 10 का,
कितना होगा, चार पच्चे बीस मतलब 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 40, 40 होगा तो देखिए ऊपर नीचे 40 बनाइए, नीचे 40 बनाइए, 40 बनाने के लिए नीचे में 8 से मल्टीप्लाई तो ऊपर से 8 से मल्टीप्लाई, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई तो यहां 4 से मल्टीप्लाई, नीचे हमने क्या किया सबको इक्विवेलेंट एक जैसा बना लिया, समान बना लिया, तो यहां तो देखिए ये 30 बटे 40, ये 16 बटे 40 और ये 28 बटे 40 हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे को बताइए कि जब हर आपका बराबर हो जाए, एक समान हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, तो अंश बड़ा आपका कौन सा है 30, तो लार्जेस्ट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ये 30 बटे 40 किसका है 3 बटे 4 का, तो बता देंगे 3 बटे 4। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, जिसका अंश छोटा है तो 16 यहां पे छोटा है और 16 किसका आया है 2 बटे 5 का, तो आंसर क्या होगा 2 बटे 5। समझ में आया ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मेथड। अब नीचे किसी भी सभी का हर को हम बराबर कर ले रहे हैं, एक जैसा समान कर ले रहे हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर सबसे शुरू में बताया था। आइए और देखते हैं इस तरह का सवाल, एक सवाल और कराएंगे आपको इस तरह से, फिर हम लोग क्रॉस में चलेंगे, क्रॉस पे कैसे कैसे सवाल दिया जाएगा। देखिए इस पे दूसरा सवाल, ये 4 बटे 15, ये 13 बटे 25, ये 7 बटे 10 और ये 31 बटे 50 हो गया। समझ में आया। अब क्या करेंगे यहां पे फिर से क्या है, अंतर कितना देख लीजिए, 11, अंतर कितना ये 2 और ये 12 और यहां पे अंतर कितना है 3 और यहां पे अंतर कितना है 19। अब देखिए क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, जब अंतर अलग अलग हो तो मैंने बोला आप इक्विवेलेंट लगा लीजिए या डायरेक्ट लगा लीजिए। इक्विवेलेंट कैसे लगाएंगे, जिसका एलसीएम हम सबका बराबर आ रहा है, जैसे 15 25 10 50 ये सबका जो एलसीएम आएगा, किसका किसका एलसीएम 15 का 25 का 10 का और 50 का, कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा दोस्तों 150। आइए ये 4 बटे जो 15 है, 15 का 150 बनाएंगे तो 10 से गुना तो ऊपर भी 10 से गुना, क्योंकि 10 10 काटेंगे फिर वही 4 बटे 15 है, इसलिए सेम संख्या से नीचे ऊपर गुना करने पे कोई दिक्कत नहीं होता। यहां पे 25 बटा 13 बटा 25 है, इसको 6 से करेंगे तो इसको 6 से कीजिए। यहां 7 बटे 10 है, इसको 150 बनाना है तो 15 करेंगे तो इसको 15 करेंगे। और यहां भी क्या है 31 बटा 50 है, इसको 3 से करेंगे तो इसको 3 से करेंगे। अब देख लीजिए ये 40 बटा 150, ये 13 छक 78 बटा 150, ये 15 सते 105 अपॉन में 150 और 31 तिया 3 एकम 3 9 3 तिया 9 बटे 150। आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे सबका डिनोमिनेटर बराबर है, मतलब हर बराबर है, तो जो संख्या बड़ा है वो सबसे बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट पूछेगा तो 105 105 किसका आया है तो 7 बटे 10 का। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो जो संख्या जिसमें क्या है 40 बटे 15, 40 बटे 15 किसका है तो 4 बटे, ये आपका सही जवाब है। समझ में आया। तो यहां पे क्या लगा लेंगे इस तरह के सवाल में, इक्विवेलेंट मेथड। चलिए कुछ सवाल हम, ये सारे सवाल जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ सवाल हम करेंगे कैसे, आपके टाइप थ्री में लिखिए, टाइप थ्री में लिखिए को आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे कैसे क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड में क्या है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कहां अप्लाई करेंगे तो 2 बटे 3, 3 बटे 5, 8 बटे 11 और 11 बटा 17। समझ में आया। अब देखिए अब 3 5 11 17 एलसीएम लेना कितना डिफिकल्ट काम है, यहां पे एलसीएम आसानी से नहीं आ सकता है और सबको बराबर नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, यहां पे क्या कीजिएगा, यहां पूछा क्या है, तो सबसे पहले लार्जेस्ट पूछा है, एक ही चीज पूछेगा लार्जेस्ट, क्या पूछेगा लार्जेस्ट मतलब बड़ा भिन्न, क्या पूछेगा बड़ा भिन्न, छोटे से मतलब नहीं है। अब जब भी आपको इस तरह का सवाल आ जाए तो पहले आप दो को पकड़िए और क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखिए ये दोनों को पकड़े तो पांच दुना दस और तीन तिया नौ, बड़ा पूछा तो बड़ा क्या है दस, तो हमें इसको तो लेना नहीं है, हमको किसको लेना, अरे बड़ा लेना है ना, छोटे से फिर क्या मतलब है, जब हमें बड़ा ही पूछा है तो तीन बटे पांच को हम क्या करेंगे हटा लेंगे, अब बच गया दो बटे तीन, अब दो बटे तीन को कहां जाएंगे, ये आठ बटे ग्यारह से क्रॉस करेंगे, ये दोनों देखिए क्रॉस कीजिए, ग्यारह दुना बाईस आठ तिया चौबीस, बड़ा क्या आया आठ बटे ग्यारह, यहां से क्या हो गया इसको हटा लेंगे, अब यहां पे क्या कर लेंगे, अब ये बड़ा आ गया, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा क्या हो गया आठ बटे ग्यारह, अब आठ बटे ग्यारह से आठ बटा ग्यारह और सत्रह ग्यारह बटा सत्रह को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए सत्रह अठी कितना होता है एक सौ छत्तीस, ठीक है, और यहां ग्यारह गुने ग्यारह कितना होता है एक सौ इक्कीस, बड़ा क्या हुआ एक सौ छत्तीस, तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट पूछेगा तो एट अपॉन में इलेवन, क्या हो जाएगा एट अपॉन में इलेवन, समझ में आया होगा। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि पहले हम दो में चेक करेंगे, पांच दुना दस तीन तिया नौ, दस बड़ा है नौ से तो दो बटा तीन बड़ा हो जाएगा तीन बटे पांच से, छोटे को हटा देना क्यों क्यों लार्जेस्ट चाहिए, फिर दो बटा तीन और आठ बटा ग्यारह में देखेंगे तो ग्यारह दुना बाईस आठ किया चौबीस, चौबीस बड़ा हो गया मतलब इसको हटा के हम ले लेंगे आठ बटे ग्यारह, यहां पे क्या करेंगे सत्रह अठी एक सौ छत्तीस, सत्रह अठ छत्तीस से होता है एक सौ छत्तीस होता है वन थर्टी सिक्स और इलेवन इंटू इलेवन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन होता है, आप देखेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा आपका कितना एक सौ वन थर्टी सिक्स और वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेंटी वन छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पूछा है तो 808 अपॉन में 11, स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या करते आप देख लिए थे कि तीन तिया नौ, नौ बटे पांच सबसे छोटा था तीन, यही काम करते एक ही बार में तीन बटे पांच सबसे छोटा हो जाएगा, समझ में आया डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट आप देखिए आप इस तरह के तीनों कॉन्सेप्ट अब हर जगह लगा के, आशा करता हूं कि आप पूरे तीनों कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, आप वीडियो को अभी भी कंटिन्यू करेंगे, कल मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊंगा और कल का वीडियो देखना ना भूले क्योंकि कल तो इससे भी जबरदस्त है, क्यों इसी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में पूछेंगे कि 32 बटा 11 और 17 बटा 14 में बड़ा और छोटा, पहला, दूसरा किस तरह का सवाल देखेंगे कि रूट टू हो थ्री रूट थ्री हो फोर रूट फोर हो में बड़ा और छोटा, समझ में आया, ये कल इस तरह का सवाल देखेंगे, इसमें भी बड़ा इसमें भी छोटा इसमें बड़ा इस तरह का सवाल देखेंगे, और फिर हम मिक्स रूट वाला भी लेके आएंगे, रूट टू प्लस रूट थ्री रूट इलेवन प्लस रूट थर्टीन इस तरह का भी सवाल, इसमें भी बड़ा छोटा कल निकाले के सिखाएंगे आपको, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप दिल से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, ठीक है, मैं आशा करता हूं और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सीरीज और कल का सीरीज भी देखें, और जो बच्चे आज तो हमारा 13वां पार्ट था, पार्ट ये कितना था 13, और जो बच्चे 12 पार्ट नहीं देखे हैं मैथ का शॉर्ट ट्रिक्स का वो देखें, ठीक है, और क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इलेवन ट्वेल्व टेन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके वीडियो को क्लिक करके सीधे यूट्यूब से देखें और लाइक करें सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हर दिन रात के 9 बजे प्रतिदिन रात के 9 बजे एक जीएस का जीके जीएस का स्टैटिक जीके जीएस का एक सीरीज चल रहा है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है 15-20 क्वेश्चन का, उसे देखना ना भूलें और सारे बच्चे उसे देखें, रात में जीके जीएस और मॉर्निंग में मैथ का ट्रिक्स, फिर मैं आपको कंप्लीट भी मैथ लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।